हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड सेल्फ केयर पर। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो बच्चों से लेकर बड़े सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। गर्मियों का सीज़न आ गया है, इस गर्मी में ये जो रेसिपी आज मैं बताने जा रही हूँ वो आपके शरीर को ठंडक प्रदान करेगी और ये विटामिन सी तथा कैल्शियम का रिच सोर्स भी है। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स लस्सी। तो चलिए देखते हैं ड्राई फ्रूट्स लस्सी बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या सामग्री चाहिए। इसके लिए मैंने लिया है फ्रेश एक कटोरी दही। आप दही घर पर जमाया हुआ भी ले सकते हैं और मार्केट का भी, बस ध्यान इतना रखना है कि हम लोगों को गाढ़ा दही लेना है। 3 चम्मच हमने ली है चीनी। चीनी 3 चम्मच लेने से ये पर्याप्त मीठा हो जाएगा। 6 से 7 छोटी इलायची ली है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। कुछ हमने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स के पीसेस, इसमें आप बादाम, काजू, पिस्ता ये ले सकते हैं। इनको बारीक कट करके यूज़ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे, दही को जार में डालेंगे, उसके बाद चीनी और फिर हम ड्राई फ्रूट्स डालकर, छोटी इलायची हमको डालना है उसको छीलकर, उसके दाने डालेंगे, हम साबुत इलायची नहीं डालेंगे। ये दही डाल लिया, ये इसमें शुगर ऐड कर ली, ये छोटी इलायची और ये हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। अब इसको मिक्सी में चला लेंगे। मैंने इन सभी चीज़ों को जार में डाला था और मिक्सी में अच्छे से इनको चला लिया है और आपकी ड्राई फ्रूट्स लस्सी रेडी हो गई है। देखिए इसमें जो इलायची का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अब इसको हम थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट्स हैं और मस्क मेलन के सीड हैं उनसे हम इसको डेकोरेट कर देंगे इस तरह से, और थोड़ा सा हम लोग रोज़ पेटल्स डालेंगे। और लीजिए, रेडी है आप लोगों की ड्राई फ्रूट लस्सी। आशा करती हूँ ये लस्सी की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और यदि पसंद आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।